कि आप कभी भी एक प्रदेश के व्यक्ति को डबल माइंड में मत मानो। यदि आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नहीं, हम किसी अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध में नहीं, हम किसी खास समुदाय के विरोधी नहीं, हम तो उस नीति के विरोधी हैं जो इसे बांटने का, इस समुदाय को बांटने का प्रयास कर रहा है कि हम जो हिंदू हैं, हम जो बहुसंख्यक हैं, हमें तुच्छ समझा जाता है राजनीति में, हमें तुच्छ समझा जाता है, हम किसी काम के नहीं हैं, हमारे वोट का कोई अस्तित्व नहीं। और वो है, उनका वोट एक जैसा है, एक साथ है, उनके वोट का महत्व है। और इसी वोट की लालच में ऐसी नीति को लाया जाना, हम इसका हर तरह से विरोध करते हैं। बीते दिनों दिल्ली सरकार द्वारा एक फरमान जारी होता है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को 2 साल की फीस माफी का ऐलान किया जाता है। ऐसे में बहुसंख्यक समाज हिंदू संगठन का गुस्सा होना लाजमी था। खासतौर पर हिंदू युवा वाहिनी सिविल लाइंस पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आती है। उनके इस रोष को देखते हुए भारी सुरक्षा बल भी तैनात रहता है। सिविल लाइंस पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन सौंपा, साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन भी किया। और उन्होंने इस प्रदर्शन को सांकेतिक बताया। हिंदू समाज कभी भी इतिहास में अखंडताओं से नहीं हारा है, हारा है वो जयचंदों से, हारा है मिर्जापुर से, हारा है हमारे देश के अंदर जो प्रतिष्ठा थी, जो जिसको खोखला कर रही थी, उनसे हारा है। इसलिए हमें समझना होगा और हमें मजबूत होना पड़ेगा। और शिक्षा नीति के माध्यम से जो केजरीवाल सरकार ये खेल खेल रही है, जो धार्मिक तुष्टिकरण का खेल खेल रही है, इस सरकार को जो जारी किया है उसको वापस लेना होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वीडियो के अंदर तमाम सुरक्षा बल तैनात हैं और जो कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के जोश को रोकने का काम कर रहा है। लेकिन ये फिलहाल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा, जो कि दिनेश अग्रवाल है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनकी मांग नहीं स्वीकार की गई तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए दिल्ली सरकार तैयार रही। आप देख सकते हैं ज्ञापन सौंपा गया दिल्ली सरकार को, हालांकि केजरीवाल साहब नहीं मिले, लेकिन उनके ऑफिस में जाकर ज्ञापन सौंपा गया। 20% लोग हैं संदर्भ रखते हैं और अपने विचार स्पष्ट करते हैं, लेकिन 80% लोग हैं, हम लोग राजनीति से नहीं है, हम लोग हिंदू लोग हैं, हमें राजनीति समझ नहीं आती, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। लेकिन जो केजरीवाल जी ने नीति अपनाई है, हम हिंदुओं को भी चोट लगी है। बोलते हैं कि तुम लोग बुलडोजर चला रहे हो, गरीब के घर तोड़ रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, एक तरह का तुम मानसिक बुलडोजर चला रहे हो। हालांकि प्रदर्शन बड़ा होगा, इसको पहले ही दिल्ली पुलिस ने भांप लिया था, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। आप वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल समस्त हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं का बारी बारी पटका पहनाकर तिलक लगाकर स्वयं स्वागत करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कार्यक्रम में या एक प्रदर्शन में किया जाता हो, ये लगातार हर कार्यक्रम में प्रदर्शन में किया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं जिस प्रकार शरीर की में काम करती है रीढ़ की हड्डी, उसी प्रकार हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हिंदू युवा वाहिनी की रीढ़ की हड्डी है, जिनके बगैर चलना बड़ा मुश्किल है और कह लीजिए असंभव है। इसी को देखते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल जन जन का, जो भी कार्यकर्ता मौजूद रहता है कार्यक्रम में, उन सभी का इसी प्रकार से मान सम्मान करते हैं, मान सम्मान देते हैं। और शायद इसीलिए दिल्ली प्रदेश इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जन जन का सम्मान करना बखूबी हिंदू युवा वाहिनी को आता है, क्योंकि धर्म योद्धा है और हमेशा धर्म की लड़ाई में आगे रहने वाले हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं का इसी प्रकार से मान सम्मान हमेशा होता रहना चाहिए। ये दिनेश अग्रवाल जी की
स्वयं के विचार हैं और इसी को फॉलो करते हुए हमेशा वो ये काम करते हैं, जिससे कि हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ता एक आवाज में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हो जाता है। यही ताकत है जो प्रदेश अध्यक्ष ने एक एक कार्यकर्ताओं को माला में पिरोने का काम किया है, और वह माला जब किसी के गले में पड़ती है वह झुकता नहीं, झुक जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आदर मान सम्मान के लिए हिंदू युवा वाहिनी जानी जाती है, धर्म प्रचार प्रसार के लिए जानी जाती है। ये हिंदू युवा वाहिनी ही कर सकती है, क्योंकि यहाँ के धर्म योद्धा हमेशा एक आवाज में सैकड़ों की संख्या में खड़े हो जाते हैं। कभी भी धर्म के ऊपर कोई विपत्ति आती है या कोई ऐसा आघात होता है जो बीते दिनों कहीं ना कहीं हिंदू युवा वाहिनी ने महसूस किया, उसी को देखते हुए प्रचंड प्रदर्शन दिल्ली के सिविल लाइन मुख्यमंत्री आवास पर किया गया, जिसमें पुतला दहन किया गया और प्रचंड प्रदर्शन के दौरान आगे की चेतावनी भी प्रदेश अध्यक्ष ने दे डाली।